हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून भाई। तो आज बहुत टाइम बाद एक ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा था अपने बगीचे डांडा सेब के बगीचे में। और एक्चुअली अभी ऋषिकेश में हूँ और टाइम हो गया है 3:20। और मेरी गाड़ी में से पता नहीं, गाड़ी में से परसों ही कब चेंज करवाए थे मैंने ब्रेक पैड आगे के, याद करते हैं परसों ना। और अब फिर गड़गड़ करके आवाज़ आ रही है, पीछे वाले खुलवाए, देखे पीछे वाले, देखे खत्म है, पूरे ब्लू खत्म है, ये देखो भाई बिल्कुल खत्म है। ये और खर्चा और लेट हो गया, पता नहीं बगीचे कितने बजे पहुंचूंगा, तो चले लेने चलाओ। तो बस टाइम हो गया है 4:30, तो देखो 4:30 बजे में अब जाके फ्री हुई पेट्रोल भरा रहा हूँ, अब सीधा निकलूंगा बगीचे की तरह। आज रात को पता नहीं कितने बजे तक पहुँचता हूँ, अंधेरे में 9:30-9:30 तक शायद। तो देखो भाई, मैं घुस गया अपने बगीचे वाली रोड पे और अभी टाइम देख लो, 9 बजे निकले, 15 मिनट बाकी हैं और पूरा अंधेरा है, कोई भी नहीं है भाई। आप देखेंगे एक से एक जानवर रात को, अगर किस्मत में रहा तो। और पहले तो रोड ठीक होनी चाहिए, क्योंकि तो गाइज मैं पहुंच गया हूं फाइनली बगीचे के नीचे। और ये हमारे रमेश भाई आए हुए, रमेश भाई की वाइफ हैं। और ये देखो रमेश भाई ने हमारे स्वागत के लिए क्या मंगाया, देखो ये मुर्गे जिंदा। रमेश भाई पूजा कर ले तुम्हारी, कल की पूजा है, तो रमेश भाई पूजा में है, रमेश भाई की पूजा, हम तो काम दूजा करेंगे। 9:30 बजने वाले हैं, पैदल ट्रैक पे हूँ, हमारा रमेश भाई पूरा तैयार हुआ हुआ है। ओह हालत खराब, पैदल चलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई पहुंच गए हैं हम फाइनली रूम पे, चाचा जी हमारे सामने बैठे हैं। हेलो चाचा जी, हाय। हेलो, खाना बन रहा है, चाचा बना रहे हैं मटन, आज मटन रेडी है, चाचा ने शाम को ही मंगवा लिया था मटन। ये वाला नहीं, दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरे वाला। ये देखो भाई कितना बड़ा कॉकरोच है, ऊपर चढ़ते चढ़ते क्वार्टर होंगे, क्वार्टर ऊपर चढ़ते चढ़ते पसीने पसीना आ गया, हालत खराब हो गई। देखो इस पसीना बहुत अगली, चल चल बेटा उस उधर चलेंगे घर पे, चलो। वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस अभी चलते हैं चाचा के घर उधर। ये मेरा मालिक आ गया। हाँ जी हाँ मालिक, तो भाई किसी को गांजा पीना हो तो आपका गला ना, वो छोटा नहीं, गांजा पीना हो तो गांजा ही रहा, दबा के पियो, इसमें आए हैं कम सेब। अभी इस वाले देखो, ये सारे जानवरों ने खराब कर दिया, देखो चोंच मार मार के, देखो सारे तो दागी कर दिए, दागी दागी, ये देखो आजा, ये देखो इतना नुकसान, इतना नुकसान। इस बार बहुत नुकसान हुआ हमें गाइस, क्योंकि इस बार दो दो बार ओले पड़े हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सालों ने चाचा एक पीस भी, देखो ये देख रहे हो हालत पीस होगी, ये देखो पहले एक तो ये हो सकता है, एक तो बीच में कीड़ा लगा, उसके हमने दवाई डाली और फिर ये ओले पड़े, ओलों की वजह से बहुत नुकसान हो गया इस बार। और फिर अभी तोते माँ बहन कर रहे हैं, तोते को खाया पहले, तोता तो बड़े बड़े पेड़ों पे खा रहा। अच्छा ऊपर ये छोटे में नहीं बैठता, बड़े बड़े पेड़ खा रहा हूँ। ये तो ये छोटे हैं सारे, ये वो है गाला गाला, ये तोतो का खाया हुआ पूरा है, तोता हो गया। ये देखो कई पंछी वाले, ये इसकी ऐसी की तेजी नुकसान। तो गाइस चाचा के घर आ गए थे, खाना वाना खा लिया, एकदम फिट हो गए, क्योंकि टाइम हो गया होगा अभी, पता नहीं चाचा ने घड़ी, हाँ घड़ी लगा रखी है, देखो ये बजे 12:20 और अब सोने का टाइम हो गया, खाना वाना एकदम ओके हो गया, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया है, तो सोते हैं। तो गाइस कल मिलते हैं, ये वाला व्लॉग शुरू करते हैं कल से, गुड नाइट बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। तो अभी टाइम हो गया है 10 बज गए, एक सेकंड देखता हूँ कितने बज गए, 10:18 हो रहे हैं। और अभी देखते हैं, सुबह तो बारिश हो रही थी तो कुछ दिख नहीं था, यहाँ तो सारा कोरा कोरा लगा हुआ है। और ये है अभी बगीचे का व्यू पूरा, इतने तोते आ रखे, इतने तोते उन्होंने खराब कर रखा है सारा सिस्टम खा खा के।
भाई ये गए चाचा के रूम से इधर आगे की तरफ, ये आगे और आगे, ये है लास्ट रूम, ये लास्ट रूम है। इसमें बड़ा चाचा का घास फूस सामान सारा, ये सारा होगा कल खाली, बहुत अंदर तक भरा हुआ है इसमें, अंदर खाली होगा, फिर इसमें मिट्टी की लिपाई होगी पूरी अंदर बाहर से, जिसमें कि कीड़े काड़े ना घुसें, हर चीज बाहर से भी। इधर सोच रहे हैं कि एग्जॉस्ट लगा दें कि अगर अंदर कुछ बनाए तो धुआं एकदम से बाहर आ जाए। और ये रूम, रूम से यहाँ से निकले और यहाँ बनेगा वॉशरूम। चाची लगी हुई है काम पे, अभी बारिश रुक गई थोड़ी देर के लिए, क्यों चाचा? बिल्कुल। अब चाचा कह रहे हैं आज लास्ट दिन है तो फिर उसके बाद बंद है, उसके बाद बंद है तो फिर कर दो शुरू कार्रवाई। एक महीना पूरा बंद सब कुछ। ये है भाई साहब बगीचे के आलू, ये बनाए भी फ्राई करके खा रहे हैं। 4:20 और मैं निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि अभी कुछ काम है, और हमारे दादाजी आए हैं, ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी दबा रहे हैं मटन। दादा कैसा बना है सच बताना? अच्छा बना हुआ है। हाँ दादाजी ने पैक चटका दिया बढ़िया मेरे साथ चेयर्स करके, क्यों दादाजी? अब दादा जाएंगे घर। कहाँ से आ रहे हो दादा? चिन्याली रोड से। कहाँ से? चिन्याली रोड से आ रहे हैं दादा, अभी पहुँचे। अब दादा जाएंगे सीधा अपने घर। भैंस बांधनी है, खोलनी है, क्या करना है? भैंस बाहर निकालनी है। बाहर निकालनी है, कमरे के अंदर पैक है वो बाहर निकालनी है। तो बस क्या लगेगी सारी ये जो चीज़ें? हाँ ये सब आलू है भाई, ये सब आलू लगा हुआ है, पटेटो और ये लगे हुए भुट्टे। ये भुट्टे हम ज़्यादा नहीं लगाते, सिर्फ कॉर्नर पे लगाते हैं सारे जितने भी हैं। हाँ तो गाइस ये है खलियान, इसमें गेहूँ लगेंगे, फिर बैलों से रुपाई होगी, फिर निकलेगा सिस्टम बाहर। चल बे खुजली, मूली कहाँ है? अभी बच्चे हैं। हाँ ये तो बच्चे, मूली मेरी फेवरेट है चाचा। ये मूली कौन? मूली मेरी फेवरेट है मैंने कहा। कौन ये? नहीं है ये मूली। अच्छा सॉरी ये मूली है। तो गाइस ये देखो छोटा सा एक पेड़ है, और इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप हर पेड़ को देख लो, अभी तो टूट गया। चलो झड़ रहे हो तो? हाँ झड़ रहे, टच होते ही गिर रहे हैं एकदम। क्यों गिर रहे? क्योंकि बारिश नहीं हुई इस वजह से ना। हाँ झड़ रहे हैं। ये गाला वैरायटी है, गाला। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस बार हमें इतना नुकसान हुआ है, 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। चाचा ज्यादा हुआ होगा कम हुआ होगा? ऊपर ही होगा, 3-4 लाख से, 3-4 लाख से ऊपर ही हुआ होगा, क्योंकि अभी ये बात भी बता नहीं सकता किस लिए हुआ है, बट हर सेब दागी हो गई, हर सेब बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार 2 बार ओले पड़े थे, ओले से झड़ गए, सब में इन्फेक्शन है। ये देख लो, ये पत्ता देख लो, सब में इन्फेक्शन है। हाँ बच्चा भी मर गया, सच्चाई है। ये देखो ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ये देखो पैदा हुआ था मर गया बच्चा, पैदा होते ही खत्म, अबॉर्शन हो गया इसका। देख लो यार इतना बुरा लग रहा है ना यार, ऐसे से हमारे ये इतने पक्षी खा रहे, क्योंकि हमने इस बार जाल नहीं डाला था गाइस। किसने नहीं डाला था वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि हमने जाल क्यों नहीं डाला था। जाल में ऐसी कोई इश्यू नहीं है कि ज़्यादा पैसे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये है कि 2-3 लाख रुपए के जाल लगते हैं, लेकिन बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बट जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं डाला जाल। मेरा जो फेवरेट फ्रूट है ये वाला है, ये वाली वेराइटी, और इससे भी ज़्यादा बेस्ट आपको ब्लैक डायमंड दिखाऊंगा। अभी 2 मिनट रुको जरा, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा चल के ना, और चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर ही लगे हैं, वो देखो इतना बड़ा पेड़, उस पर अभी तक आए नहीं। हमारा टारगेट कब है चाचा, तोड़ने का टारगेट कब है? 15 अगस्त। हाँ तो 15 अगस्त को आज़ादी के दिन हम इन्हें आज़ाद कर देंगे सब पेड़ पत्तों। 2024 ये देखो, इसे हाई वैरायटी कहते हैं। ये छोटा सा पेड़ है, देखो इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्या लगा हुआ है? इधर खत्म। ये भी तो घाला है चाचा, घाला ही तो है ये, घाला ही तो है, देख लो ना। हाँ घाला, इसमें स्पॉट नहीं है शायद। हम
इस बार भाई जी मतलब क्या बोलूं, अभी मैं इधर से जा रहा हूं बगीचे से और चार पांच दिन बाद दोबारा आऊंगा। इसका साइज ये कितना बड़ी है? ये बहुत बड़ा हो गया। ये एक्चुअल साइज है। और इसके देखो, इसमें देखो कुछ है ही नहीं। बहुत मूड खराब हो रहा है यार, बहुत ज्यादा। साला करोड़ों रुपए लगा के भी, लेकिन वही है ना बस की बताऊंगा आराम से ये भी बात। ये देखो कितने छोटे 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 आ रहे हैं चाचा। मुझे तो ये सबसे लंबा साइज लग रहा है। लंबा है ना, क्योंकि छटाई नहीं। जो भी बगीचे वाला होगा ना उसे पता होगा, अगर आप ओले गिर गए तो ओले पे आप प्रकृति के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो आपको लॉस झेलना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बार दवाई भी हम गलती से, क्योंकि हमारी रोड ब्लॉक हो गई थी नीचे की, तो दवाई भी टाइम से नहीं पड़ पाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी इस बार। साले कमीने तोते अभी भग रहे हैं। देखो अभी तो मैंने नीचे का सारा पोर्शन दिखाया नहीं है, मैं नीचे का कुछ भी नहीं दिखा रहा चाचा। नीचे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं, मैं नीचे बोल तो रहा हूँ। ऐसे कैसे? वीकनेस आ रही है। क्यों? जो पीछे ऊपर ब्लैक डायमंड लगा रखे हैं उनकी क्या रिपोर्ट है? वो तो वीआईपी है यार, उनकी वीआईपी रिपोर्ट है। उनका सिस्टम ओके है ना? एकदम ओके। ठीक है। तो गाइस रमेश भाई के डेरे पे पहुंच चुके हैं। अरे रमेश भाई का चापर देखो, रमेश भाई को देखो। मालकिन राम राम। ये हमारी मालकिन है। और ये देखो और किचन अभी बंद है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा किचन। चाचा ने भी हमसे शर्त लगाई है कि इतने बारिश में इतने गीले उसमें चाचा चढ़ेंगे। और चाचा देखो, और चाचा भी एक सेकंड में नीचे आ गए। ये मेरे चाचा का लड़का है अमन, और ये मेरी हाइट का हो चुका है फाइनली। तो गाइस रमेश भाई ने पूरा 3 किलो चिकन बना दिया है उधर, और मेरा टाइम हो गया जाने का, क्योंकि मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया। तो मेरे को 7:30 बज रहे, मेरे को अभी यहाँ से निकलना है। क्यों चाचा जी? बिल्कुल ओके। ये रमेश भाई ले आए कि टेस्ट तो करो कम से कम। हाँ, ये हमारे भेजिए बड़े भाई हैं, हमारे ज्योति के पापा ये हैं। गाइस अभी इधर हो गया रूम पे अंधेरा बहुत, क्योंकि यहाँ 7:05 हो रहे हैं और हमारे रमेश भाई बैठे हैं। रमेश भाई ने मेरे लिए स्पेशल छंग बनाई हुई है जो आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं करी। और ये देखो जस्ट अपी ओपन हो रही है, और इन्होंने एक गिलास मेरे लिए रखा। आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा। चाचा आप ट्राई करोगे? भेजिए आप करोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये लोग डरते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये डरते हैं। और मैं पीऊंगा ये देखो गाइस, ये तो पूरे मट्ठे की तरह मट्ठा। तो गाइस मैं अभी बगीचे से निकल रहा हूं, चाचा यहां बैठे हैं, मेरे भेजी यहां बैठे हैं। भेजी प्रणाम। तो ठीक है, तो टाइम क्या हो गया? 8:00 बजे जंगल से अभी निकल रहा हूं। तो गाइस एक घंटे सिस्टम ये बात नहीं।